हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हमें आप लाते हैं हॉलीवुड मूवीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इस बार हम लेंगे एक बहुत ही बेहतरीन मूवी जिसका नाम है मैरी मी। ये मूवी रिलीज हुई 2022 में। एक रोमांस कॉमेडी मूवी है। इसे आईएमडीबी ने दी है 6.1 की रेटिंग। इसे रोटन टोमेटोज़ ने दी है 60% और इसे 81% लोगों ने लाइक किया है। इसकी डायरेक्टर थी कैट कोरियो। 23 मिलियन के बजट बनी इस मूवी ने कमाई की थी $49 मिलियन की। इस बेहतरीन मूवी की बेहतरीन कास्ट में है जेनिफर लोपेज, जिन्होंने रोल प्ले किया कैट वाल्डेस का। फिर आते ओवन विल्सन, रोल प्ले किया चार्ली गिलबर्ट का। मालूमा ने रोल प्ले किया बेस्टियन का। क्लोई क्लोमैन ने रोल प्ले किया लूक गिलबर्ट का। जॉन ब्रलदेव ने रोल प्ले किया कॉलिन का। और भी कई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या हो जब एक वर्ल्ड फेमस पॉप स्टार गुस्से में आकर अपनी ऑडियंस में से किसी से शादी कर ले। सो, उसका ये डिसीजन उसके लिए अच्छा होता है या बुरा, और उसने ये ऐसा क्यों किया। स्टोरी की शुरुआत से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, बाकी आपके फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। सो नाउ लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। कहानी की शुरुआत पॉप स्टार कैट वाल्डेस से होती है। ये अमेरिका की बहुत बड़ी स्टार है। कैट की दो हाई प्रोफाइल मैरिजेस फेल हो चुकी हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में वो अपने को सिंगर बेस्टियन के साथ डेट कर रही है। इन दोनों ने एक गाना भी साथ गाया है जिसका नाम मैरी मी है। ये गाना पूरे वर्ल्ड के चार्ट में टॉप पर है। अब बेस्टियन और कैट पब्लिकली शादी करना चाहते हैं, और शादी कुछ अलग तरीके से होगी। इसमें कैट के कॉन्सर्ट के दौरान वो दोनों लोगों के सामने शादी करेंगे। वहां पर लाखों लोग मौजूद होंगे और इसी शादी के चर्चे पूरे अमेरिका में हैं। कैट अपनी इस शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड है। दूसरी तरफ चार्ली गिलबर्ट, इसका भी डिवोर्स्ड हो रखा है और इसकी एक प्यारी सी बेटी है जिसका नाम लू है। चार्ली एक मैथ टीचर है और उसी स्कूल में लू पढ़ती है। चार्ली हमेशा अपनी बेटी से कनेक्शन बनाने और उसे समझने की कोशिश करता है, पर लू उसे अवॉइड करती है। स्कूल में चार्ली लू की फ्रेंड ईस्टर से पूछता है कि लू कैसी है और कैसी पढ़ाई कर रही है। चार्ली अपने स्टूडेंट्स को मैथ क्विज मैथलॉन के लिए प्रिपेयर भी कर रहा है। उसे पता है कि उसकी बेटी मैथ में अच्छी है, पर वो क्राउड को देखकर नर्वस हो जाती है। ईस्टर चार्ली को बताती है कि लू अपनी मॉम के बॉयफ्रेंड डेविड को बहुत अमेजिंग समझती है क्योंकि वो एक फन गाय है। इस बात से चार्ली जेलस फील करता है। फिर स्कूल में चार्ली की फ्रेंड पार्कर और पिट उसे फेमस न्यू सॉन्ग मैरी मी के बारे में बताते हैं। पार्कर कहती है कि वो तो अपनी गर्लफ्रेंड और उसके एक्स के साथ इस कॉन्सर्ट में भी जा रही है। इस बात से चार्ली को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका पूरा फोकस तो उसकी बेटी पर है। शादी से पहले कैट और बेस्टियन बहुत एक्साइटेड और नर्वस हैं क्योंकि बेस्टियन बताता है वहां पर 20 मिलियन लोग होंगे, तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैरिज होगी। इसके बाद घर पर चार्ली अपनी बेटी को कुछ पुरानी फोटोज दिखाता है कि वो लू के साथ जमीका में पैरासेलिंग करने गए थे, जो कि लू को याद भी नहीं है। उसे तो ये भी याद नहीं कि उसके पेरेंट्स कभी साथ में भी थे। लू कहती है, डैड मैं समझ गई कि आप भी कभी फन गए थे, लेकिन आप अब नहीं हो। लू अपने डैड की बातों में इंटरेस्ट ना शो करते हुए सोने के लिए चली जाती है। अब कैट वाल्डेस के कॉन्सर्ट वाला दिन आ जाता है। स्कूल में पार्कर दुखी होती है क्योंकि सिर्फ 17 दिन बाद ही उसका ब्रेकअप हो गया, लेकिन वो अपनी कॉन्सर्ट की टिकट्स को वेस्ट नहीं जाने देगी, इसलिए वो चार्ली से कॉन्सर्ट में जाने के लिए पूछती है। चार्ली कहता है कि मैं कोई कॉन्सर्ट वाला इंसान नहीं हूँ। फिर पार्कर कहती है कि तुम लू को भी साथ में ले आना, उसे रियलाइज होगा कि तुम अभी भी एक फन गाय हो। फिर चार्ली इस बात पर गौर करता है और तीनों कॉन्सर्ट में जाते हैं। कॉन्सर्ट की स्टार्टिंग में जेनिफर लोपेज कैट की चर्च वाली परफॉर्मेंस चल रही होती है, जो कि बहुत ही अमेजिंग होती है। ये सॉन्ग बहुत ही ऑसम होता है। इसके बाद बेस्टियन वहां परफॉर्म करता है। बैक स्टेज एक प्रॉब्लम हो जाती है। कॉन्सर्ट में आए सभी लोग अपने फोन्स पर कुछ देखने लगते हैं। कैट का मैनेजर कॉलिन भी कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखकर वो परेशान हो जाता है। फिर बेस्टियन अपनी परफॉर्मेंस के बाद कैट के पास जाता है, पर वहां कॉलिन आकर वेडिंग ड्रेस में तैयार कैट को ले जाता है। कैट लोगों के रिएक्शंस को देखकर समझ जाती है कि कुछ प्रॉब्लम है। फिर वो कॉलिन के फोन में देखती है कि बेस्टियन वीडियो में उसकी असिस्टेंट टायरा के साथ मिलकर उसे चीट कर रहा है। यही वीडियो किसी मीडिया हाउस ने सीक्रेटली बनाई होती है। ये देखने के बाद कैट परेशान होकर स्टेज पर जाती है। पार्कर ने अपना बोर्ड चार्ली को पकड़ा दिया होता है। फिर वो म्यूजिक को रोकती है और कहती है कि प्यार एक झूठ है, ये एक फेरी टेल की तरह है जो कभी सच नहीं होती। पूरा क्राउड उसे चीयर करता है। फिर कैट कहती है कि जीवन में कुछ अलग चाहिए तो कुछ अलग चूज करना पड़ेगा। फिर वो चार्ली को देखती है कि उसने मैरी मी का बोर्ड पकड़ा हुआ है। फिर वो चार्ली से कहती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी। चार्ली क्राउड के फोर्स करने पर स्टेज पर जाता है, जहां कैट उसे किस करके उससे शादी कर लेती है। चार्ली को यकीन नहीं होता कि ये उसके साथ हो रहा है। सब उन्हें देख रहे होते हैं। बेस्टियन कैट को समझाने की कोशिश करता है, पर वो चार्ली के साथ वहां से चली जाती है। पूरे मीडिया में ये न्यूज टॉप पर होती है।
कैट का दिल बुरी तरह टूट चुका होता है। फिर कैट अपने घर चली जाती है। कॉलिन कैट को इमोशनल सपोर्ट देता है। अगले दिन कॉलिन आकर कैट को इन्फॉर्म करता है कि उसने चार्ली के बारे में पता लगाया कि वो एक डिसेंट मैन है जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और वो एक मैथ्स टीचर है, जो कि एक अच्छी बात है। मैं उसे पैसे देकर अग्री कर लूंगा कि वो इस शादी को सीरियसली ना ले और तुम्हें डिवोर्स दे दे। लेकिन कैट उससे कहती है कि वो दुनिया की नजरों में मजाक नहीं बनना चाहती, तो वो इसलिए चार्ली के साथ कुछ महीनों के लिए मैरिड रहेगी। फिर वो लोग बोल देंगे कि उनके बीच बात नहीं बन पाई। फिर कॉलिन चार्ली को इसके लिए अग्री करने जाता है और उसे $10,000 ऑफर करता है, पर तब भी चार्ली मना कर देता है। वो कहता है कि वो ये नाटक नहीं कर सकता। उसे तो पता है कि कैट और वो कभी भी एक सीरियस रिलेशनशिप में नहीं हो सकते। फिर चार्ली के दोस्त पार्कर उसे मनाती है और कहती है कि ये पैसे स्कूल के बच्चों के मैथलॉन के काम आएंगे। फिर चार्ली कहता है कि वो मीडिया के आगे प्रटेंड करेगा कि वो कैट के साथ रह रहा है, लेकिन इस सर्कस में उसकी बेटी को नहीं लाया जाएगा। फिर चार्ली और कैट मिलते हैं और दोनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं, जहां पर वो उनकी अचानक हुई शादी से रिलेटेड मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं। एक रिपोर्टर कैट से पूछता है कि उन्होंने इतनी जल्दी शादी क्यों की। कैट कहती है कि उसे वो मोमेंट सही लगा तो उसने कर ली। मीडिया पूछती है कि आप दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते। तब चार्ली कहता है कि अगर नहीं जानते तो हम जान लेंगे। हम रोज़ कहीं ना कहीं अजनबियों से मिलते हैं, हम साथ में रहेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे तो एक दूसरे को समझ जाएंगे। फिर कैट कहती है कि हर बार ऐसा ही क्यों हो कि कोई लड़का हमें सामने से प्रपोज करे, हम क्यों वेट करें, थोड़ा चीज़ों को बदलते हैं और अब हम उन्हें चूज़ करेंगे। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है। फिर कैट मीटिंग के लिए लंदन चली जाती है और वो चार्ली से कहती है कि वो उसके टच में रहे। चार्ली अपने डॉग को बाहर घुमाने ले जा रहा होता है, तभी मीडिया उसके घर के बाहर उसे घेर लेती है। चार्ली डर कर घर में चला जाता है। कैट लंदन जाते हुए बैस्टियन का वीडियो देखती है कि जिसमें वो अपनी फीमेल फैंस के साथ खुश नजर आता है। चार्ली के घर पर लू उससे कैट को लेकर कई सारे सवाल पूछती है कि कैट क्या मेरी स्टेप मॉम है। पार्कर ने बताया कि वो बहुत स्मार्ट और ब्यूटीफुल है, उनके 80 मिलियन फॉलोअर्स हैं। फिर चार्ली कहता है कि मैं इन सब बातों से इम्प्रेस नहीं होता, ये सब एक दिखावा है, हम बस कुछ महीनों के लिए साथ में हैं, तो खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। कैट के स्टाफ ने चार्ली को आईफोन दिया है जिसके थ्रू वो शेड्यूल को चेक कर सके और उनसे कनेक्ट रहे। मीडिया को दिखाने के लिए कि वो साथ में हैप्पी हैं, दोनों बहुत सी फन वीडियोज अपलोड करते हैं, बॉलिंग करते हैं। फिर चार्ली कैट को अपने घर पर वेलकम करता है, जहां वो चार्ली के डॉग से मिलती है। फिर चार्ली कैट से पूछता है कि तुम्हारा कैमरामैन कॉफी तुम्हारी हर चीज़ रिकॉर्ड करता है। कैट कहती है कि हाँ, ये मेरे चैनल के लिए मिनी एपिसोड्स होते हैं। फिर चार्ली कहता है क्या आज हम एक एपिसोड स्किप कर सकते हैं। फिर कैट कॉफी को घर जाने के लिए कहती है। फिर चार्ली कैट को अपनी बेटी के बारे में बताता है कि वो किस तरह उसे अवॉइड करती है। फिर कैट लू की मॉम के बारे में पूछती है। चार्ली कहता है कि मेरी शादी अच्छी चल रही थी, फिर एक दिन उसकी मॉम की लाइफ में मेरी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गई और मैं उसे रोक नहीं पाया। फैक्ट है कि वर्ल्ड की 48% मैरिजेस डाइवोर्स पर ख़त्म होती है। फिर कैट कहती है कि 52% मैरिजेस वर्क भी तो करती हैं। फिर बाहर घूमते हुए कैट अपने दोनों मैरिजेस को चार्ली के आगे डिफाइन करती है। फिर वो बताती है कि इतना फेम होने के बावजूद भी वो किसी भी अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड नहीं है। फिर बैस्टियन ने उसे सिंह नाम का लॉकेट दिया था। फिर वो कहती है कि चार्ली हर कोई बुरा नहीं होता। चार्ली कहता है लेकिन जो तुम्हें चीट करे वो बुरा है। फिर कैट कहती है हम ज़्यादा डिफरेंट नहीं है चार्ली, और स्माइल करते हुए दोनों वॉक करते हैं। इसके बाद से चार्ली कैट की एड्स और म्यूजिक रिकॉर्डिंग्स को अटेंड करने लग जाता है। उसका रिलेशन भी उसकी बेटी के साथ अच्छा हो जाता है। चार्ली कैट के साथ टाइम स्पेंड करता है और उसे बैस्टियन से मूव ऑन करने के लिए सपोर्ट करता है। फिर कैट अपने कॉन्सर्ट के लिए पेरिस चली जाती है। वहां जाने के बाद भी वो चार्ली से बात करती रहती है। चार्ली उसे बताता है कि फाइनली उसकी बेटी ने मैथलॉन में ज्वाइन कर लिया। वो मैथ से बहुत अच्छी है, पर लास्ट मैथ क्विज में वो आंसर देने में हेजिटेट हो गई थी, तब बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, इसलिए वो डरती है क्विज का पार्ट बनने से। कैट कहती है कि तुम उसे थोड़ा टाइम दो, वो ठीक हो जाएगी। अगले दिन कैट चार्ली की क्लास के बीच में ही उसके स्टूडेंट से मिलने आ जाती है। फिर वो लू को बताती है कि नर्वस होकर कुछ भी भूल जाना ये नॉर्मल है, मैं भी अपने लिरिक्स बहुत सारे लोगों के सामने भूल गई थी, फिर मैंने डांस को अपनी परफॉर्मेंस में ऐड कर दिया और अब मेरा माइंड डाइवर्ट रहता है तो मैं नर्वस ही नहीं होती। कैट सभी की डांस प्रैक्टिसेस कराती है, सभी लोग उस दौरान बहुत इंजॉय करते हैं। फिर लू कैट के साथ डे स्पेंड करती है। वो कैट को अपने डैड के बारे में बताती है। फिर वो कहती है कि मेरे डैड कहते हैं अगर तुम मैथ के क्वेश्चन में बैठोगे तो आंसर तुम्हें खुद ढूंढ लेगा। फिर वहाँ चार्ली आ जाता है और लू चली जाती है।
फिर कैट कहती है कि वो बच्चे कितने खुशनसीब हैं कि उनके पास तुम्हारे जैसा टीचर है। उसी मोमेंट में चार्ली कैट से स्कूल डांस पार्टी में साथ चलने के लिए पूछता है। कैट चलने के लिए हाँ कर देती है। अगले दिन कैट चार्ली के साथ स्कूल डांस पार्टी में आती है। वो बहुत प्रिटी लग रही होती है। सभी स्टूडेंट्स वहाँ कैट का वेलकम करते हैं। कैट उस पार्टी को बहुत इंजॉय करती है। फिर अपना फर्स्ट सॉन्ग वहाँ पर परफॉर्म करती है। पेट उसके लिए गिटार प्ले करता है। सभी लोग आई बिलीव इन लव परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं। पार्टी के बाद कैट चार्ली के साथ उसके घर जाती है, जहाँ वो दोनों एक पुराने गाने पर डांस करते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं। देन कैट चार्ली के साथ नाइट स्पेंड करती है। इसके बाद दोनों बातें करते हैं। चार्ली उसे चैलेंज देता है कि तुम एक दिन अपने स्टाफ के बिना स्पेंड कर सकती हो। कैट इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। फिर वो अकेले चार्ली के साथ अपने घर पर टाइम स्पेंड करती है। ऐसे ही कुछ वीक्स वो साथ में बिताते हैं और उनके बीच में एक रोमांटिक रिलेशनशिप क्रिएट होता है। एक दिन कैट चार्ली को उसके बर्थडे पर रात को अम्यूजमेंट पार्क ले जाती है। ये चार्ली का बर्थडे गिफ्ट होता है। चार्ली कभी अपनी मॉम के साथ यहाँ आया करता था। फिर वो दोनों मैजिक व्हील में किस करते हैं। फिर चार्ली अपने स्टूडेंट्स को मैथ क्विज के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। कैट स्टूडेंट्स को इनकरेज करती है और लू के अंदर से स्टेज का डर निकालती है। उसी दौरान वहाँ बैस्टियन आ जाता है और कैट को बताता है कि उनका गाना मैरी मी ग्रैमी के लिए नॉमिनेट हो गया है, तो उन्हें अब वहाँ साथ में परफॉर्म करना होगा। कैट ये जानकर खुशी के साथ वे आसमान पर होती है, लेकिन चार्ली परेशान है क्योंकि अब दोनों को फिर से साथ में परफॉर्म करना पड़ेगा। पर कैट को वो अपनी इंटेंशंस नहीं बताता। कैट भी कह चुकी है कि वो बैस्टियन के साथ वापस नहीं जाएगी। फिर लू भी अपने डैड से पूछती है कि आप इसलिए परेशान हो कि कैट आपको डंप करके बैस्टियन के साथ चली जाएगी, क्योंकि मुझे भी यही डर है। इसके बाद कैट और बैस्टियन ग्रैमी में परफॉर्म करते हैं। चार्ली अंदर ही अंदर अपने आप को बैस्टियन से कंपेयर करता है, जिसमें वो हार जाता है। फिर वो कैट के पास जाता है। वो सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। कैट के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया था। कैट चार्ली के फेस को देखकर उसके पीछे की परेशानी उससे पूछती है। चार्ली कहता है कि वो उसकी दुनिया में फिट नहीं हो पा रहा है। फिर चार्ली कहता है कि जैसा तुम चाहती थी वैसा ही हुआ। मीडिया को तो पुरानी बात याद भी नहीं है, और अच्छा ही है, हमारी शादी तो कभी रियल ही नहीं थी। फिर चार्ली कैट को छोड़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद चार्ली के जाने की वजह से कैट बहुत उदास हो जाती है और ऑन माई वे सॉन्ग लिखती है। ये सॉन्ग मैरी मी से भी ज़्यादा फेमस हो जाता है। दूसरी तरफ चार्ली को भी हर जगह कैट नज़र आ रही होती है। फिर कॉलिन चार्ली को चेक देने आता है, पर चार्ली उसे लेने से मना कर देता है। फिर वो कहता है कि मैं अपने आप को कैट से दूर रख के हर्ट होने से बचा रहा हूँ। फिर चार्ली चला जाता है। कैट भी चार्ली को मिस कर रही होती है। फिर वो जब द टुनाइट शो के लिए रेडी हो रही होती है, तब उसे उसकी हेयर स्टाइलिश बताती है कि कल चार्ली के स्टूडेंट्स का मैथ क्विज है। फिर कैट को रियलाइज होता है कि उसने लू से प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें सपोर्ट करने वहां आएगी। फिर वो द टुनाइट शो में बैस्टियन के साथ जाती है और वहां कुछ रूमर्स को करेक्ट करती है। वो कहती है कि वो और बैस्टियन साथ में नहीं है, जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा है, और ऑन माई वे सॉन्ग उसने चार्ली के लिए लिखा है, ना कि बैस्टियन के लिए। फिर कैट चार्ली को मैथलॉन में सपोर्ट करने के लिए द टुनाइट शो को छोड़कर निकल जाती है। एयरपोर्ट पर उसे शिकागो की टिकट नहीं मिलती, तभी कॉलिन उसके लिए टिकट अरेंज कराता है। फिर कैट पार्कर की हेल्प से मैथलॉन में पहुंच जाती है, जहां चार्ली स्टेज पर आंसर देने से घबरा रही लू की हेल्प कर रहा होता है। वो उसे डांस स्टेप्स याद दिलाता है। फिर लू डांस करते हुए क्विज के लास्ट सवाल का जवाब देती है, पर वो लेट हो जाती है, जिस वजह से अपोजिट टीम जीत जाती है। लू रोने लगती है। चार्ली इसे चुप कराता है और कैट भी उसे समझाती है कि तुमने कर दिखाया, तुमने अपने डर पर जीत हासिल कर ली। वहां सभी लोग कैट को देखने लगते हैं। चार्ली उसे कहता है कि हमारी लाइफ बहुत अलग है। कैट कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर कैट मैरी मी का बोर्ड चार्ली को दिखाकर उसे प्रपोज करती है। फिर चार्ली कैट को गले लगा लेता है। दोनों की हैप्पी मैरिड लाइफ शुरू हो जाती है। कैट चार्ली के स्टूडेंट्स को डांस सिखाती है। वो चार्ली और लू और उसके डॉग के साथ खुश नजर आती है। एट द लास्ट लोग अपनी स्टोरीज लगाते हैं और बताते हैं कि वो कैसे मिले, और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। द एंड। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बाकी आपके फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। अपनी फेवरेट मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन वर्ल्ड को। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।